हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर HCS मेंस मेंटरशिप सीरीज। दिस इज अभिमन्यु IAS एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस मेंटरशिप सीरीज थ्रू अवर ओन अभिपीडिया ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म विच वी हैव स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मल्टी एग्जाम प्रिपरेशन। इट इज़ अ मेंटर लेड ऑनलाइन लर्निंग मॉडल विच इज टेकन वेरी वेल बाय द स्टूडेंट्स एंड वी आर हाईली थैंकफुल फॉर दैट। तो ये नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 60 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, क्या की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सो एंड इन कंटिन्यूशन टू दैट लेक्चर, अभी हमने बात की कि आपको 3 से 4 घंटे GS आप डेली पढ़ोगे और डिपेंडिंग अपॉन योर ओन स्ट्रेटजी आप कम या ज़्यादा पढ़ोगे। और GS में मैंने बोला कि 1 या 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस मीन्स के आपने ज़रूर करने हैं। पेन चलाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रिवाइज़ करना याद करना ही सफिशिएंट नहीं है बिकॉज वी हैव टू गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। फिर मैंने हाईलाइट किया कि एक टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप खुद 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली या एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो। लेकिन जैसे अब एक और मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बच्चों ने पूछा कि GS का सेक्शन है जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ना हाउ टू प्रिपेयर दिस सेक्शन, है ना। अब रेफर टू माय अर्लियर लेक्चर जिसमें मैंने कहा कि 3 तरह के क्वेश्चन HCS में पूछे जा रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन है जिसमें 250 वर्ड में लिखना है, एक 125 वर्ड में, कुछ फिर 40 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को तैयार करने की स्ट्रेटजी है वो इस चीज़ पे निर्भर करती है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे UPSC में अगर देखें तो ओनली ऐसे टाइप क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 10 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना। तो उसमें कोई छोटे क्वेश्चन 40 वर्ड में या 30 वर्ड में लिखने को क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब HCS में हम जब ये GS का कोई सेक्शन तैयार करते हैं तो हमारी ट्विन स्ट्रेटजी रहती है GS को अप्रोच करने के लिए। नंबर 1 स्ट्रेटजी रहती है कि हम वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्फ फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चन, एंड सेकेंडली हम तैयार करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 40 वर्ड्स। ये होते हैं 250 वर्ड्स का या 125 वर्ड्स का या वट एवर 200 125 जो भी है, या 40 वर्ड्स का, ठीक है ना। अब ये देखिए, जब हम GS का कोई भी सेक्शन तैयार करते हैं तो हमें दोनों एंगल से अप्रोच करना है। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस देन वी सजेस्ट, जो हमारी स्टैंडर्ड अभिमन्यु की स्ट्रेटजी 20 साल से रही है और जो काम किया है जिस स्ट्रेटजी ने, जिसके बेसिस पे वी हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स इन HCS एज वेल एज IAS एग्जामिनेशन। मेंस की जब हम बात करते हैं, देखिए मेंस में आपको कम्पीट करना है सबसे, है ना। यू हैव टू कम्पीट एंड यू हैव टू राइट बेटर, लिखना नहीं है बेटर लिखना है, क्योंकि जो सारे मेंस दे रहे हैं कोई ऐसे तो दे नहीं रहा। लास्ट मोमेंट पर फाइनल स्ट्रेटजी मैटर करेगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी से कम है। हल किसी बात स्ट्रेटजी पे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से रेस कई बार कोई एक एथलीट चूक जाता है, हम कह देते किस्मत है, ठीक है किस्मत इज़ वन थिंग, बट एट द सेम टाइम आपकी जो फाइन स्ट्रेटजी आपने बनाई है, कब मैंने फास्ट होना है, कब मैंने स्लो होना है, क्या कैसे मेरे को मॉड्यूलेट करनी है अपनी स्पीड को, वो मैटर करता है। उसी तरह से आप ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर जी सपोज एग्जाम्पल ले लो, पॉलिटी तैयार कर रहे हो तो पॉलिटी के अंदर आप किस तरह से तैयार कर रहे हो। देखो दो ट्विन स्ट्रेटजी अच्छे इसमें फॉलो होती है। आप हम एक क्वेश्चन आंसर अप्रोच लेके चलते हैं इन स्टडीज इन HCS मेंस। अगर आप क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करें पॉलिटी में, आप इसको लिखते जा सकते हो। जैसे फर्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में आता है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उस पर जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक ये एक्ट जरूर तैयार करना है कि वट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, चाहे ना आए पेपर में, है ना, लेकिन फिर भी एक करेंगे हम। लेकिन अब सारे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फलाने सारे पिछले करने लगे, ऐसे तो फिर कोई एंड ही नहीं है, है ना। उतना का आप मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, थोड़ा बहुत फीचर पता होता है, लिख सकते हो। देन सेकेंडली फॉर एग्जांपल आप आ जाते हो आगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपको पूछ लें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, व्हाट आर द डिस्कस द ब्रॉड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाईलाइट दी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या विच फीचर्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज, एक आइडिया जैसे प्रीलिम में क्वेश्चन करते ही हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चन वाइज अप्रोच में लेके चलना है। थर्ड यूनियन एंड टेरिटरी आ जाता है, हाउ द स्मॉलर स्टेट्स आर फॉर्मड इन इंडिया,
है ना, व्हाट इज़ दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम लेके चलते हैं, फिर प्रियम्बल आ गया, प्रियम्बल पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल एंड हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये करते हैं दो क्वेश्चन। ऐसे आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, उसमें पाँच छः क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे DPSP आ जाते हैं, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो वी विल बेसिकली हम एक आपको अलग अलग एरियाज़ के लेक्चर देंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट GS के सेक्शंस के अंदर कैसे आपको क्वेश्चंस को देखना है और कैसे उन क्वेश्चंस को तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी पॉलिटी की किताब उठा ली और उसको जनरल पढ़ने लगे, उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिर्फ प्रिलिम में बेनिफिशियल हैं। अब आप उसको मेंस में भी करने बैठ जाएं तो वो तो कम ख़राब है ना। अब आपको एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेजिडेंट है, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेजिडेंट तो आ ही सकता है इस बार। अब एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई आपकी जो आप फॉलो करते हो फॉर योर ऐसे टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर अप्रोच में। सेकंडली, 40 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेंटेन लिस्ट्स। आप पढ़ते जा रहे हो तो आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी होती है ऑफ टर्म्स, है ना, लिस्ट ऑफ टर्म्स। या आपका दूसरा मैं मेथड बताऊं कि आपने प्रिलिम के लिए कोई नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने प्रिलिम के लिए अपने नोट्स सपोज पॉलिटी के बनाए हुए हैं, तो उन्हीं नोट्स के अंदर सर्कल कर लो, जहाँ जहाँ ऐसी कोई टर्म्स आती हैं उसको सर्कल रेड पेन से करके उसको आप प्रिजर्व कर लो, और लास्ट मोमेंट पे आपने वही जो लिस्ट है वो पढ़ के जानी है। अब मैं कहूँ कि इस वक्त आप लिस्टें बनाओगे बैठ के, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, वो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है ज़रूर कि आप वो जो अपने प्रिलिम के नोट्स में से वो लिस्टें निकाल सकते हो, ठीक है ना, 40 वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट कैन हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपका, आपको ध्यान रखना है कि ये 40 वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग स्ट्रेटजी बन रही है आपकी, और आपके ऐसे टाइप के लिए अलग से बन रही है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है जब डेली आप 3 से 4 घंटे GS पे लगा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन आंसर अप्रोच से करोगे तो थिंग्स आर क्वाइट अचीवेबल, लेकिन जनरल अगर पढ़ने बैठ गए तो फिर देखो, एक पॉलिटी पढ़ने बैठ कर 15-20 दिन तो पॉलिटी ले जाती है, अगर सिंगल रीडिंग भी देनी है तो, ठीक है ना। तो GS का सेक्शन आपने इस तरह से तैयार करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ GS या किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, तो यू कैन ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन इन द कमेंट इन द यूट्यूब चैनल, वी विल आंसर इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड प्लीज़ फ्री टू कॉन्टेक्ट अस इन द केस ऑफ एनी नीड, राइट। दिस इज प्रवीन बंसल, आई एम चीफ मेंटर ऑफ मेन्यू IAS, एंड वी हैव बीन सर्विंग यू फॉर द लास्ट 25 years in the civil service examination domain, right? And thank you for all of your support and motivation, encouragement. And I hope that all of you will stay motivated, encouraged, and stay positive in the next 60 days of your 55 days of your profession. Thank you very much.